एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो यहां मैं आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले फिग्मा की न्यू अपडेट के बारे में। फिग्मा में कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं तो उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने फिग्मा ऑन कर लिया है तो एक एक करके सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी वीडियो समझ आने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए, पहले तो इसमें आ रखा है एक थीम का ऑप्शन आ रखा है। आप पहले व्हाइट थीम में काम करते थे, अब आप ब्लैक थीम भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, प्रेफरेंसेस में जाना है यहाँ से, ठीक है, और थीम में जाके डार्क। अब आप डार्क थीम में भी यहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सारी थीम डार्क हो गई, ठीक है। बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता है कि वो डार्क थीम में काम करना चाहते हैं, तो डार्क में भी वो काम कर सकते हैं, ठीक है। वापस आता हूँ यहाँ पर, और इसको मैंने अभी कर दिया फिलहाल यहाँ से लाइटिंग, ठीक है। ये फीचर एक आ रखा है इसमें, ठीक है ना। और एक अपडेट आया है स्ट्रोक से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे कि आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, अब आप स्ट्रोक ऐड करिए इसमें, ठीक है। यहाँ से स्ट्रोक ऐड करिए यहाँ पे, ठीक है। आप स्ट्रोक ऐड करते जैसे आपने किया 5, और आप कलर चेंज कर लेते थे, ठीक है। कलर चेंज आपने कर लिया यहाँ पे, जैसे आपने कुछ कलर कर लिया, ठीक है ना। और इसके बाद अब यहां से आप अलग अलग जगह से भी आप स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। पहले आप एक ही जगह से ऐड कर पाते थे, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखो टॉप की चाहिए आपको टॉप की से स्ट्रोक मिल जाएगी, बॉटम चाहिए बॉटम से मिल जाएगी, ठीक है। लेफ्ट से आ गया, देखिए आप इंक्रीज करके देख लीजिए। तो ये काफी अच्छा फीचर मेरे को लगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप स्ट्रोक यहाँ पे ऐड कर पाओगे। आप देखो हाइट शो तो पहले था ही, ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट ऑल, और कस्टम आप कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम में चारों तरफ से आ जाएगा कि आपको कहाँ से कितनी स्ट्रोक चाहिए, ठीक है। जीरो हो गया, जीरो कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो ये लाइन भी आ रही है लेफ्ट से, ठीक है, ये टॉप से है, ये राइट से है, देखो राइट से कौन सी करूंगा, तो एक और राइट से आ रही है। ये देखो बॉटम से दिखा रहा है, देखो इसको मैं कर दिया 50। तो ये देखो आप अलग अलग जगह से भी स्ट्रोक आप ऐड कर पाओगे, पहले हम नहीं कर पाते थे, पहले एक ही जगह से ऐड कर पाते थे। तो ये फीचर भी अच्छा है, ये भी फीचर आप ट्राई करके देखना, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं ऑटो लेआउट के बारे में। ऑटो लेआउट में भी ये काफी बड़ा थोड़ा चेंज है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, उन्होंने इंटरफेस जो यहाँ पर इंटरफेस आता है उसी को इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। और कुछ उसके अंदर अच्छे फीचर ऐड किए ताकि हम डिजाइन को इजिली अपना बना पाए, ठीक है। तो काम करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम क्या क्या फीचर आए हैं ऑटो लेआउट में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सर्किल यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, और इसमें एक इमेज ऐड करी, प्लगइन अनस्प्लैश, ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, आप भी कर लेना, ठीक है। ये इमेज आ गई, और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें स्ट्रोक ऐड करी, 5 कर देते हैं, ठीक है, और स्ट्रोक का कलर है 5, और इसमें हम हल्की सी शेडो ऐड करते हैं। तो शेडो ऐड करने के लिए हमें क्या अच्छा होता है, इसको आउटसाइड कर लेते हैं, ठीक है, यहां से, और यहां से इफेक्ट में जाते हैं, शेडो ऐड कर लेते हैं, कुछ एक्स से थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है, और वाई से भी थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया हमारा यूजर 1, ठीक है। इसका डुप्लीकेट किया मैंने कंट्रोल डी से, यूजर 2 पिक हो गया, इसका एक और डुप्लीकेट किया, 3 हो गया, ये एक और किया, ठीक है। और इसके बाद इन सबको सिलेक्ट करने के बाद ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, अभी देखो आपका जब हम पहले हम ऑटो लेआउट में जब ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करते थे तो हमारी देखो यूजर 1 नीचे होती थी, जो लेयर फर्स्ट पे वो नीचे होती थी, ठीक है। बट इन्होंने अब चेंजेस कर दिया है, जो लेयर अब जब हम ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करेंगे, आप देखना फर्स्ट वाली लेयर जो ये वाली लेयर है जो लास्ट में आ रही है हमारी टॉप पे आ जाएगी, ठीक है। तो हम राइट क्लिक किया मैंने इस पे, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, एड ऑटो लेआउट, ठीक है। शॉर्टकट इसकी होती है शिफ्ट प्लस है, ये किया मैंने, इसका नेम हम कर देते हैं यूजर प्रोफाइल ऑल, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए जो फर्स्ट पे है वो ऊपर फर्स्ट पे आ जाती है, ठीक है। तो ये भी अच्छा फीचर है कि मतलब जो फर्स्ट पे है वो फर्स्ट पे रहना चाहिए था, ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, ये अब हो गया, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड
तो एक सीक्वेंस में आगे लेयर, ठीक है, तो इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी लेयर कहाँ है, ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। और इनका क्या करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करके पिक्चर चेंज कर लेते हैं। रनिंग में गए अनस्प्लैश, ठीक है, ये पिक्चर आ गई, ठीक है ना। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक फीचर आया है, अभी हम क्या होता है, इन आइटम के बीच में अगर स्पेस ऐड करना है तो आप यहां से ऐड करते हैं, है ना, ऐसे ऐड होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस में भी स्पेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, माइनस में स्पेस ऐड नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप इसमें माइनस में भी स्पेस ऐड कर पाओगे कि एक के ऊपर एक आपको चाहिए होती है ना, यूजर्स वगैरह कुछ भी चीज चाहिए, एक के ऊपर एक चाहिए, तो अब यहां से हम माइनस में भी ऐड कर पाएंगे, ठीक है। अब आप देखोगे यहां पे, ये तो फोर्थ नंबर पे है, बट फोर्थ वाली सबसे ऊपर आ रही है, बट मेरे को क्या चाहिए, फर्स्ट वाली मेरी जो इमेज है वो सबसे ऊपर रहे, देखो ये नीचे जा रही है ना, पहले ये है ऊपर, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है, बट मेरे को ये वाली इमेज ऊपर चाहिए, मैं चाहता हूँ ये वाली ऊपर है, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, ठीक है। तो आपको ऑटो लेआउट फ्रेम अपना सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको जाना है ऑटो लेआउट में, यहाँ पे जाना है, ठीक है, और ये है ना आपको दिख रहा है लास्ट ऑन टॉप, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑन टॉप कर देना है, देखो फर्स्ट वाली टॉप पे आ गए, सेकेंड फिर ये नीचे है, फिर ये नीचे है, सबसे नीचे ये है, अगर आप कर दोगे लास्ट ऑन टॉप तो लास्ट वाली जो है वो टॉप पे आ जाएगी, ठीक है। इसको भी आप ट्राई करके देखना, देखो फर्स्ट वाली में स्टॉप पे आ गई, लास्ट ऑन टॉप करोगे लास्ट वाली आ गई, ठीक है ना, तो ये भी चीज आप करके देखना इसको, ठीक है। और इसके बाद देखो, जब मैंने स्ट्रोक ऐड की थी तो मैंने आउटसाइड ली थी, जब हम स्ट्रोक आउटसाइड कर लेते हैं तो मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया, तो देखो आपकी स्ट्रोक जो है, जो हमारी ये स्ट्रोक है, ये फ्रेम से बाहर जा रही है, देखो हमारा फ्रेम सेलेक्ट किया मैंने, देखो हमारा फ्रेम देखो ये आ रहा है, बट स्ट्रोक बाहर जा रही है, देखो ये स्ट्रोक बाहर जा रही है, 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 ठीक है। अब हमें इस फ्रेम के अंदर इसको करना है, अगर फ्रेम में ही एडजस्ट हो जाए तो आपको यहीं पे जाना है, यहाँ पे आपको फीचर दिख रहा है स्ट्रोक का, देखो इंक्लूड इन लेआउट है यहाँ पे, ठीक है, तो देखो अब ये लेआउट के अंदर ही एडजस्ट हो गई स्ट्रोक, पहले देखो हमारे बाहर जा रहा था ये स्ट्रोक, जो है बाहर जा रही थी, देखो मैं अगर यहाँ पे दोबारा मैं उसी को कर दूं, अगर मैं स्ट्रोक में जाके एक्सक्लूडेड कर दिया, अगर मैंने एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेआउट, तो देखो स्ट्रोक्स बाहर आ गई है लेआउट से, और इंक्लूड कर दोगे तो देखो इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, ठीक है, इसको भी आप ट्राई करके देखना, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इस फ्रेम को भी डिलीट कर दिया। और अब हम देख लेते हैं पैडिंग, पैडिंग में भी कुछ चेंजेस आ रखे हैं पैडिंग ऐड करने के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किल लिया, ठीक है, और इसमें एक इमेज ऐड की, ठीक है, यहां से एक इमेज ऐड करी हमने, और इसके बाद नीचे यहां से मैंने टेक्स्ट जोड़ लिया और एक टेक्स्ट यहां पे पेस्ट कर दिया, और इसका फॉन्ट साइज हम रख लेते हैं 16, ठीक है। और ये देखो अभी हाइट ज्यादा आ रही है इसकी, तो यहां से हम ऑटो हाइट कर दी इसकी यहां से, ठीक है, ऑटो हाइट, ये ऑटो हाइट, और नीचे एक बटन बना लेते हैं यहां पर रीड मोर, और बटन हम कैसे बनाते हैं ऑटो लेआउट से, आपको यहां पे क्लिक करना है, शिफ्ट और ए प्रेस कर सकते हैं आप, या ऐड ऑटो लेआउट, ठीक है, ये हो गया हमारा बटन, इसका नेम हमने कर दिया बटन, ठीक है। और यहां से इसका फिल हम चेंज कर लेते हैं, कुछ यहां से सिलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, और इसके हमने यहां से कलर चेंज कर दिया टेक्स्ट का, यहां से ओपन किया टेक्स्ट सेलेक्ट किया और इस टेक्स्ट का हमने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। और ऑटो लेआउट पे पैडिंग ऐड करते हैं, तो देखो यहाँ से हमने कर दी, ये अब पैडिंग में भी चेंज आ गया, देखो आप यहाँ से लेफ्ट राइट की पैडिंग ऐड कर सकते हैं, ये आइकन आपको दिख रहा है, आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो ड्रैग करके, ठीक है, या आपने यहाँ से भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो 20, ठीक है। और यहाँ से टॉप बॉटम की हमने पैडिंग ऐड कर दी, कितनी चाहिए, सपोज हमें यहाँ से 20 चाहिए, और इसका बॉर्डर रेडियस हमने कर दिया 12, ठीक है। अब हमारे पास इन सब को सेलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक किया, एड ऑटो लेआउट में इसको कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया हमारा कार्ड, ठीक है। और यहां पे जाके इसमें मैंने फिल कर दिया कुछ कलर वाइट, ठीक है, और इसमें पैडिंग ऐड कर देते हैं यहां से, देखो अब पैडिंग का मैं आपको बताना चाह रहा था, जो था ना
यहाँ पे है ये रफल, यहाँ पर है लेफ्ट राइट, देखो ये लेफ्ट राइट दिख रहा है, यहाँ से आप कर सकते हो 20 ऐसा अपनी करते हैं लेफ्ट राइट, देखो लेफ्ट से पैडिंग 20 आ गई, राइट से पैडिंग 20 आ गई, ठीक है थोड़ी और कर लेते हैं 50 कर लेते हैं, ये देखो लेफ्ट राइट से पैडिंग 50 आ गई, टॉप बॉटम से ऐड करोगे तो यहाँ से भी देखो 50 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको लेफ्ट से सपोज आपको 20 चाहिए और राइट से कुछ डिफरेंट चाहिए, आपने कॉमा किया 50 कर दिया, तो देखो आप इस टाइप से भी ऐड कर सकते हो, देखो लेफ्ट से यहाँ से 20 आ गया और यहाँ से 50 आ गया, ठीक है। अब आपको टॉप बॉटम से भी कम ज्यादा चाहिए, टॉप से आपको चाहिए 20 और बॉटम से आपको चाहिए 50, तो देखो टॉप से आप क्या है 20 है और बॉटम से 50 है, ठीक है। और अगर आपको सारों में एक ही चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल के साथ क्लिक करना, एक ही बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप ऐड कर पाओगे 20, 50, 100, 200, देखो यहाँ पे जब आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो एक ही बॉक्स बन जाएगा, देखो आपने 20 किया तो चारों तरफ से 20 आ गई, ठीक है। और कंट्रोल से क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोमा करके आप ऐड कर सकते हो 20, 50, 150, 200, तो देखो ऑल साइड से जब आप क्लिक करोगे तो देखो पता चल जाएगा आपको, तो ये यहाँ पे फिल होके आ जाएगी, जब आप एंटर करोगे प्रेस तो देखो कि ये देखो यहाँ से लेफ्ट से देखो ये दिखाया 200 हो गई है और ये जो राइट से है 50 है, और जब इस पर होवर करोगे तो देखो टॉप से 20 है और यहाँ से 150 है। तो कैसे करोगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, अगर आपको एक ही चाहिए चारों तरफ से सिंपल एक ही पैडिंग चाहिए तो यहाँ से कर दो 50 एक आगे, और कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा, आप कोमा करके आप ऐड कर लो कुछ भी, तो देखो ऐसे भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। अब लेफ्ट राइट से 20 हो गई और टॉप बॉटम से 50 हो गई, ठीक है। अभी हम इनको सेम रखते हैं, ठीक है 50 ये हो गया है ना, तो ठीक है ये भी अच्छा फीचर है इसका। और एक और अच्छी चीज, आपको अगर पैडिंग यहां से देखो आप यहां से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है टॉप्स की चेंज हो रही है, यहां से बॉटम की चेंज हो जाएगी देखा से करके, ठीक है। ये कैनवास कंट्रोल में फीचर दे दिया, ठीक है ये हमारा कैनवास है और यहाँ पे देखो यहाँ भी कंट्रोल का फीचर है, ठीक है। यहां से भी आप अलग अलग पैडिंग ऐड कर सकते हो, अगर आपको यहीं से इक्वल स्पेस चाहिए पैडिंग इक्वल ऐड करनी है तो शिफ्ट प्लस ऑल्ट आप प्रेस कर लेना, शिफ्ट ऑल्ट देखो आपको बाहर आपने रखा अपना फ्रेम सेलेक्ट किया, आपको यहां पे होवर करोगे ये चीज दिखेगी, अगर आपको एक साइड से करना है तो एक साइड से सिंपल ऐसे कर सकते हो, बट आपको अगर पैडिंग जो है वो इक्वल चाहिए तो शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करना, ऐसे ड्रैग करना, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके रखना, शिफ्ट ऑल्ट मैंने प्रेस किया हुआ, ड्रैग करोगे तो इधर करोगे तो ज्यादा हो जाएगी, इधर करोगे तो कम। देखो जब मैं ड्रैग कर रहा हूं तो ये भी देखो यहां पे भी चेंजेस हो रहे हैं, देखो ठीक है। आप कैनवास से भी ड्रैग करके यहां पर पैडिंग कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ये देखो, ठीक है तो ये हमारी पैडिंग ऐड हो गई। अगर आपको कैनवास से नहीं करना तो डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते, ठीक है ना। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब स्पेसिंग देखो, यहां पे हम स्पेस ऐड करते हैं एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच का स्पेस, मैंने 50 किया तो 50 आ गया, ठीक है। अब आपको अगर यहीं से स्पेस करना है तो आप यहीं से भी कर सकते हो, सीधा देखो आप एक में चेंज करोगे तो जितने भी आइटम होंगे सब में स्पेस चेंज होगा, ठीक है। ये भी फीचर काफी अच्छा लगा मेरे को, आप देखिए यहाँ पे काउंट भी आता है, देखो कि कितना आपको स्पेस आपका आ रहा है, ठीक है। तो आप यहीं से अब अपने कैनवास से ही आप यहाँ पे पैडिंग भी चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी फीचर अच्छा है काफी इसका, ये भी आप ट्राई करके देखना, ठीक है। और एक और चीज, जैसे हमारा एक ये मॉडल पॉपअप है, ठीक है, इसका हम वाटर रेडियस ऐड कर लेते हैं कुछ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ एक सर्किल है, ठीक है, ये हमारे पास सर्किल है और ये हमें जब हम ऑटो लेआउट में कुछ चीज ऐड करते हैं तो यहां पर हम इसको देखो अरेंज कर पाते हैं, देखो ऐसे करते हैं, ठीक है ये अरेंज हमने किया। अब मेरे को ये चीज अगर यहां पर जो हमारा पॉपअप में क्लोज बटन होता है, ठीक है, अब यहां पे ऐड करनी है अगर मेरे को, तो इसको हमने यहां से पोजिशन एब्सोल्यूट का बहुत अच्छा फीचर आया, ये सबसे अच्छा फीचर मेरे को इसमें लगाया, पहले हम ये नहीं कर पाते थे, ठीक है ऑटो लेआउट में, तो यहां पर मैंने क्लिक किया और यहां पे जाके इसको यहां रख दिया, ठीक है। इसके अंदर आप आइकन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, जैसे एक आइकन ऐड करना है तो मैंने राइट क्लिक किया, प्लगइन में गए हम और फॉन्ट ऑसम आइकन, ठीक है, और यहां पे जाके एक क्रॉस का आइकन ऐड कर लेते हैं टाइम्स, ठीक है, और इसको मैंने यहां पे मैं लेके आ गया, ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी मैंने कर दिया और ये हो गया हमारा क्लोज, ठीक है। अब मैंने
इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, यहां से सेंटर किया इसको और यहां से वर्टिकल सेंटर, ठीक है, और टाइम्स को कर दिया ऊपर इसको, देखो ये आ गया, ठीक है। इसका कुछ कलर चेंज करना है तो ओपन करो और यहां से इसका कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। इसकी पोजिशन एब्सोल्यूट करी हमने यहां से और यहां पे जाके इसको, बट आप ध्यान रहे कि ये कार्ड वाला जो हमारा कार्ड का है ये इससे बाहर ना चला जाए, बाहर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, वो इसका पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया क्लोज का, हमने यहाँ फिक्स हो गया, ठीक है। अब सपोज हमने कार्ड को हमने छोटा कर रहे हैं, अपना हमने फ्रेम सेलेक्ट किया उसको छोटा कर रहे हैं, तो अभी हमारा टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव नहीं है और ये भी हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं है। जब हम इसको छोटा करें तो हमारे टेक्स्ट भी छोटा हो और ये भी छोटा हो, ठीक है। तो टेक्स्ट को तो आपको क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है और कुछ चीजें देखो जो यहाँ हर कंटेंट ये चीजें नीचे आती थी यहाँ पर ऑटो लेआउट में, ठीक है, यहाँ पे आती थी, अब ये ऊपर चली गई, फिक्स हग वगैरह ये सब चीजें ऊपर ऐड कर दिया उन्होंने यहाँ पे, ठीक है, पहले नीचे आती थी, तो इन्होंने ऑटो लेआउट का इंटरफेस चेंज कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसको ये विड्थ होती है इसको फिल कंटेनर कर देना है, ठीक है। अब कार्ड को छोटा करो, देखो अब ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, ठीक है। अब हमें बट इसको भी हमें रिस्पॉन्सिव करना है, तो पहले इसको यहां पे रख लो आप। अब आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद अपनी कॉन्स्टेंट्स में आना है। अभी हमें आइकन कहां पे चाहिए, देखो यहां पे लेफ्ट में तो नहीं चाहिए, हमें राइट में चाहिए, राइट हो गया, राइट से कहां चाहिए, टॉप पर, राइट टॉप चाहिए, ठीक है। अब कार्ड को आप छोटा करो, देखो है ना पूरा कार्ड रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अगर आपको ये आइकन इधर चाहिए होता, सपोज इसको मैं इधर ड्रैग करके लाया, मूव करके मैं इसको इधर लेके आया, ठीक है, और यहां पे जाके अगर आपको ये अभी देखो अब ये फिक्स नहीं, तो देखो ठीक है, अब आपको ये यहां पर फिक्स चाहिए तो आपको कॉन्स्टेंट में क्या करना है, ये अब हमारा लेफ्ट में, यहाँ पे लेफ्ट करोगे आप और यहाँ पे टॉप ही रहेगा। अब कार्ड को सेलेक्ट करके अब इसको छोटा करो, ठीक है, अब ये यहाँ फिक्स है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा फीचर, इसको भी ट्राई करके देखना, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना था और जो भी चीजें होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, ठीक है। ऑटो लेआउट का एक डिटेल वीडियो जो मैंने बनाया था वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, उसमें जाके आप ये सब चीजें वहां से देख लेना, ये हर कंटेंट फिक्स वगैरह चीजें थी ये मैंने वहां डिटेल में समझा रखा है, उसका लिंक मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो ऑटो लेआउट को आपको अच्छे से करना है, जो हमारी सीरीज चल रही है मोबाइल ऐप डिजाइन की उसमें ऑटो लेआउट यूज होने वाला है सारा, ठीक है, तो उसमें हम यूज करेंगे, तो अब प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसकी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है।